बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तलबिन शहार की पॉजिटिव साइकोलॉजी की टिप्स आपके सामने वन बाय वन मैं प्रेजेंट करता जा रहा हूँ बाय कोटिंग वन और टू एग्जांपल्स विद ईच टिप। तो आज की टिप नंबर 9 थोड़ी वियर्ड सी लगेगी, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के कोर्स का हिस्सा है और मैंने इसको पढ़ा और इसके मुताबिक थोड़ी बहुत तहकीक की तो पता चला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिप नंबर 9 ये कह रही है, यू हैव टू वेयर कम्फर्टेबल शूज़। आपके जूते कंफर्टेबल होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तलबिन शहार भी नहीं कह रहे, बल्कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के, इनका नाम है डॉक्टर कैनेथ वेपनर। इन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे के बाद उन्होंने ये रिवील किए रिजल्ट कि आपका शू अगर टाइट है या अनकम्फर्टेबल है तो यकीनन वो आपके मूड पर इम्पेक्ट करता है, और इस तरह करता है कि आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये जो कुछ हो रहा है आपके शूज़ की वजह से हो रहा है, और सामने जो आपके मौजूद है जिससे आप मुखातिब हैं वो ये समझता है कि शायद उसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो रहा है। तो ये एक रॉन्ग इम्प्रेशन जाने वाली बात है। जब मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराता हूँ कॉर्पोरेट में जाके, तो मैं जब इस टिप पर आता हूँ तो ख़ासतौर पर मैं अपने शूज़ उतार देता हूँ, और जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट बैठे होते हैं सबसे ये कहता हूँ कि आप अपने शूज़ उतार दें। और जब शूज़ उतार के बैठते हैं तो 5 मिनट के बाद वो एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि वाकई उनके मूड के अंदर बदलाव आया है। तो डॉक्टर कैनेथ वेपनर ने ये कहा कि आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जब ऑफिस पहुंच जाएं तो आप वहां से शूज़ उतार दें, और बाकी अपना तमाम ऑफिशियल टास्क जो हैं जितने भी उस दिन के हैं वो आप बिना शूज़ के परफॉर्म करें, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और साथ में आपका मूड भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अमेरिकन्स हैं, रिसर्च के हवाले से हम कोई कलाम नहीं कर सकता कि उनकी रिसर्च में कि कोई सुकुम हो या किसी किस्म की कोई उसके अंदर लिमिटेशंस हों, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद फाइनली वो रिजल्ट्स अखज़ करते हैं और वो बताते हैं। तो टिप नंबर 9 आप लोगों ने देखी, अब आपके पास आ रही है टिप नंबर 10, और टिप नंबर 10 ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर पोस्चर। अब अपने पोस्चर का ख्याल रखें, याद रखें बॉडी लैंग्वेज। कभी आपने फ़ौजियों को देखा चलते हुए, आम पर्सनल जो होते हैं जब वो परेड कर रहे होते हैं तो अच्छे लग रहे होते हैं। इवन कि फ़ौजी जब अपनी आम ज़िंदगी में बैठ के या बात कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग है, उसका पोस्चर बनाया गया है। तो साइकोलॉजिस्ट उमूमन ये सजेस्ट करते हैं कि आपके कंधे उठे हुए होने चाहिए और आप सामने की तरफ यूँ देख रहे हो तो आपका विजन सही रहता है। अच्छा, जो लोग थोड़ा शाई इन नेचर होते हैं ना, तो उनको ये लगने लगता है कि आसपास के सारे लोग उन्हें देख रहे हैं, जैसे कि लोगों के पास कोई और टाइम नहीं है, लोग उन्हीं को देखेंगे, और ये बहुत अरसे के बाद पता चलता है कि किसी के पास टाइम ही नहीं था देखने का। तो उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो शाइनेस के बायस सर झुका लेते हैं इस तरह। वो सिर्फ सर नहीं झुकाते बल्कि वो कंधे भी झुका लेते हैं, अजीब सा पोस्चर उनका बन जाता है। और राह फरार क्या है, यही मोबाइल फ़ोन। जब आप देखेंगे चार लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हैं या आपको देख रहे हैं या आपको नोटिस कर रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के उसमें शुरू हो जाते हैं। ये आपका पोस्चर ख़राब करता है। और आपको पता है कि 27 किलो तक का वज़न समझ लें कि आपका मोबाइल आपके पोस्चर की वजह से बन जाता है। वो रिसर्चेज मौजूद हैं, आप देख लें उसमें। आप अपने पोस्चर में हमेशा सीधे रहेंगे, जब आप सीधे रहकर बात करेंगे चलेंगे भी इसी तरह, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्टअप हो जाएगा और पॉजिटिविटी का एलिमेंट वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। पोस्चर को हमेशा इस तरह सीधा रख के बैठें। वो मेरा पोस्चर भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जब भी पॉजिटिव साइकोलॉजी की इस टिप को याद करता हूँ तो फिर मैं अपने पोस्चर को ठीक कर लेता हूँ। तो ये थी टिप नंबर 10। टिप नंबर 11 भी मैं इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, टिप नंबर 11 कहती है कि यू हैव टू लिसन टू म्यूज़िक। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड की तलबिन शहार ने, उसने कहा प्रेज टू गॉड। हज़रत दाऊद अलैहि सलाम के मुतालिक कहा जाता है ना कि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था, तो उस लोहे से वो साज़ बनाते थे और वो साज़ बनाकर उनको बजाते थे और वो हम्द गाते थे अल्लाह की। तो कहते हैं आसपास के परिंदे और जानवर तक सुना करते थे। ये हज़रत दाऊद अलैहि सलाम जो कि पैगंबर हैं, नबी हैं, और हमारा बिलीव तमाम पैगंबरों के ऊपर है, तो उनके मुतालिक ये कि वो बहुत अच्छा गाते थे, वो म्यूज़िक बाकायदा प्रोड्यूस करते थे। अच्छी म्यूज़िक सुने, अच्छे सॉन्ग सुने, तो उससे भी मूड अच्छा होता है और इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन सॉन्ग्स को गुनगुना रहा होता है। देखा होगा आपने कि जब इंसान का मूड अच्छा होता है तो वो गुनगुना रहा होता है, तो ये साइकोलॉजिकल होता है। और साइकोलॉजिकल होता है यानी जब वो गुनगुना रहे इसका मतलब वो कुछ अच्छे मूड में है, तो ऐसे वक्त पे ही उमूमन अगर बॉस भी गुनगुना रहा हो तो कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो अपनी कोई डिमांड सामने रख देते हैं कि बॉस ये कर दें कि आज बॉस का मूड अच्छा है, बॉस गुनगुना रहे, तो
तो अच्छी म्यूज़िक का सुनना बुरा नहीं है, अच्छी म्यूज़िक सुने, अल्लाह की हम सुने, मैं तो कहता हूँ कि, और यकीनन इस बात पे बिलीव रखें कि हम्द अल्लाह ताला को याद करने का नाम, अल्लाह ताला को याद करने से वो आपको याद रखता है और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव असरात रहते हैं। मेरे नाना सैयद शाह ग़ुलाम महमूद कादरी मरहूम ये फरमाया करते थे कि जब इंसान अल्लाह को याद करता रहता है तो एक विलायत की चादर आ जाती है उसके ऊपर, वो उसको नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी निशानी ये होती है कि वो कोई भी काम कर रहा होता है तो वो काम कम्प्लीट हो रहा होता है। कई बार इस बात का मुशाहिदा करें कि जब आप जुड़े रहते हैं रब से तो आपके काम आसान होते रहते हैं, यानी नमाज़ें वगैरह पढ़ते रहें, ये सब कुछ करें, अच्छी प्रैक्टिसेस करें, लोगों से सिला रहमी करें, तो आपके काम होते रहेंगे। और जहाँ पर कोई शख्स लोगों के काम में रुकावट डालते हुए नज़र आए, आपको परेशान हाल रहेगा या लोगों के ऊपर बरसता हुआ नज़र आए, या वो उमूमन कुछ मामलात का ख्याल ना रखें जो कि ज़रूरी हैं, तो आप उसकी ज़िंदगी में देखें कहीं ना कहीं इज़्मेलाल रहेगा। तो लिसन टू म्यूज़िक, अच्छी म्यूज़िक सुने, हम सुने, अल्लाह के कलाम को याद करें और उसके असरात अपनी ज़िंदगी पे आपको महसूस होंगे। तो यहाँ तक टिप्स हो चुकी हैं, 11 टिप्स, बाकी टिप्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।